हरिओम, चर्चा हो रही थी मौनी अमावस्या की, माघी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही, अमावस्या के नाम से ही प्रतीत होता है, मौन, मौन से मौनी अमावस्या, यानी निश्चित रूप से इस दिन मौन का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन व्रत उपवास के साथ हो, अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से जिस प्रकार रखा जाए, यथासंभव उपवास हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो फल उपवास हो, जल उपवास हो। देश काल जलवायु परिस्थिति अपनी शारीरिक क्षमता सामर्थ्य के अनुसार यह व्रत करनी चाहिए। प्रमुखता है मौन का। मौन रहने से ही मौनी अमावस्या है। और इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द भी है कि जैसा हमारे पुराणों में वर्णन है, ऋषि पद, मुनि पद, संत पद प्राप्त करना, मनुष्य अपने कर्म से इन पदों को पाता है। तो ऐसी मान्यता है कि यदि मौनी अमावस्या श्रद्धापूर्वक यथासंभव किया जाए तो उसे देवलोक और मुनि पद की प्राप्ति होती है। एक विशेष बात यह है स्नान के समय, स्नान की विधि इसमें क्या है, दो तीन बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। गंगा जी के स्नान, वो भी मुख्य रूप से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जैसी हमारी मान्यता है कि त्रिवेणी में देवों का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन गत वर्ष बड़ा आनंद था, हम वहां कुंभ के बीच, मौनी अमावस्या के बीच बड़ा आनंदमय स्नान हुआ था। और अभी अभी कह सकते कि जैसे किसी स्थान पर यदि मान लिया गया कि वहाँ गंगा जी नहीं है, सुविधा नहीं है, तो दूसरे किसी भी पवित्र नदी में यदि वह भी संभव नहीं है तो कोई भी नदी हो सकता है। और ऐसी असमर्थता हो कि कोई भी नदी यदि ना हो तो आप घर पे स्नान करें, अपने स्नान जल में थोड़ी सी गंगा जल डाल दें। गंगे च यमुने च सरस्वती, ये मंत्र आप सभी जानते हैं, गंगा गोदारो नर्मदा सरस्वती जले भा, तो इस मंत्र को भी आवाहित करके किया जा सकता है। और सूर्य को अर्घ देना, लोग तो हिंदू मान्यता के हिसाब से प्रतिदिन देते हैं, देना चाहिए, किंतु मौनी अमावस्या के दिन उसमें एक विधान अवश्य उसमें एड ऑन कर लिया जाए। ताम्र पात्र में जल लेकर रोड़ी देते ही हैं सूर्यदेव को, लाल पुष्प हो, काला तिल, अमावस्या के लिए उसमें काला तिल थोड़ी सी डाल दी जाए, अपने स्नान जल में भी डाला जा सकता है। और उसे भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र उच्चारित करते हुए श्रद्धापूर्वक अर्घ देना, इसकी एक प्रमुखता है। और साथ ही साथ एक और इसमें मुख्य रूप से कहा जा सकता है, भगवान विष्णु को अमावस्या तिथि बहुत प्रिय है और मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या विशेष रूप से उन्हें प्रिय है। तो ये कहा जा सकता है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को स्मरण करना, उनके रूप का वर्णन करना, उनके भजन संकीर्तन दर्शन, हाँ, ध्यान करना, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति भगवान के लोक पर उसे वास मिलता है और पुनः बताऊं कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। सारा दिन मौन की बात, कई प्रश्न आज आए हैं कि क्या मौन की भी बात है, तो हाँ, मौन की मुख्यता उसमें है, यथासंभव मौन रखा जाए। किसी कारणवश यदि कोई मौन नहीं रख पाता, व्रत भी करना चाहता है,
तो मौन ना रखे, किंतु इन बातों का उन्हें अवश्य एक स्मरण होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अनर्गल वार्तालाप से बचे, वाद विवाद से बचे, परनिंदा से बचे। अति अति आवश्यक हो वहां बोले, और अल्पभाषी होकर ऐसे भी सामान्य दिनों में, किंतु मौन अवस्था में अगर मौन ना कर पाए तो उस स्थिति में बहुत ही कम बोलकर, और बहुत आनंद है मौन रहकर थोड़ी भगवान की ये करे। और इस बीच मुख्य रूप से भगवान विष्णु और सबसे सुलभ मंत्र जो सभी को ज्ञात है, ये मोक्ष प्रदायिनी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र यथासंभव मानसिक जाप भी करते हुए, वाचिक जाप करे, उपांशु जाप करे, आपकी सुविधा श्रद्धा के अनुसार। वैसे तो सभी को ज्ञात है कि मंत्र जाप भी तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। और जहां जाप की बात आती है तो वहां मानसिक ही उत्तम माना गया, फिर मध्यम और फिर अधम। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन वाचिक जाप भी ठीक है, और ना तो मानसिक तो हमेशा ही वो मान्य है। तो खूब आनंद के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपवास रखकर, यथासंभव मौन रखकर, ये अगर मौन है तो स्वाभाविक है कि मानसिक जाप ही होगा। तो इस कर्म से मनुष्य मुनि पद को पाता, और भगवान के लोक पे वैकुंठ लोक पर स्नान, वहां उनको स्थान मिलता है, यह जैसी मान्यता है। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए मनुष्य को मौन अमावस्या श्रद्धा पूर्वक बहुत आनंद के साथ ये जाप करें, उन्हें बहुत जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा सामर्थ्य। और आपकी श्रद्धा तो सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। सामर्थ्य किसी प्रकार का सामर्थ्य हो सकता है, वो मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, भावनात्मक है, इच्छा शक्ति, कई बातें हैं। तो चलिए पुनः और एक बात हम फिर चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या के दूसरे ही दिवस से। फिर हमारा गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो साधकों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। गुप्त नवरात्र में फिर नवरात्र की चर्चा होगी, तो उसकी चर्चा अन्य दिवस। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सूर्य को भी अर्घ दें, और आनंद के साथ यथासंभव भगवान के चरणों में अपने आप, अपने हृदय को समर्पित करते हुए आनंद के साथ मौनी अमावस्या का आनंद लें। हरिओम, ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।